Have a very warm welcome to all the viewers on an era of education. Hello, I am Elena. Today I am going to teach you general enhancement course that is polity. आज मैं एक ऐसे थिंकर के बारे में बताने वाली हूँ जिनका लाइफ जो था फुल ऑफ स्ट्रगल था. उनका आइडियोलॉजी बताने से पहले मैं उनका एक फेमस क्वेट बोलना चाहती हूँ. I like the religion that teaches liberty, equality, fraternity. This is being said by V.R.A.M. Ambedkar. आज मैं आप लोग को V.R.A.M. Ambedkar के आइडियोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू टीच यू बायोग्राफी. सेकेंड टॉपिक रहेगा हिज व्यूज ऑन कास्ट सिस्टम. थर्ड टॉपिक रहेगा सोशल जस्टिस. देन आफ्टर आई विल गोइंग टू टीच यू अम्बेडकर एंड नेशनल इंटीग्रेशन. फिफ्थ टॉपिक जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हिज एक्टिविटी. ओवरऑल एट लास्ट आई विल कंक्लूड दिस टॉपिक. फर्दर नोट डिलेइंग योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट टॉपिक. V.R.A.M. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था. उनका डेथ 6 दिसंबर 1956 में हुआ था. उनका पूरा नाम भीम राव रामजी अम्बेडकर था. ही वॉज एन जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर. He headed the committee drafting the Constitution of India. He also served as a law justice minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru. उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से. फिर उन्होंने आगे का एजुकेशन परस्यू किया था न्यूयॉर्क में जाकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़े थे. उनका जो अर्लियर लाइफ था, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट प्रोफेशन एंड लॉयर. हिज लेटर लाइफ वॉज मार्क्ड एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. उनको 1990 में भारत रत्न अवार्ड मिला था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ही वॉज ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब, जिसका मतलब था रिस्पेक्टेड फादर. Now I am going to teach you his views on caste system. Basically, इसमें V.R.A.M. अम्बेडकर जी ने वर्णा सिस्टम का जिक्र किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडियन सोसाइटी में जन्म के अनुसार उसका ड्यूटी बांटा गया है. जैसे कि ब्राह्मण लोग जो है वो नॉलेज को इम्पीचमेंट करेंगे, क्षेत्रीय लोग जो है वो किंग है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वैश्य लोग जो है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हैं और शूद्रास जो है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए. ही ऑल्सो सेड दैट फोर मॉडल डिवीजन बा जस्टिफाई ऑन द बेस ऑफ वैदिक मीथ. अकॉर्डिंग टू दिस ब्राह्मण ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड वाइल शूद्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फीट. उनका मानना था कि जो ब्राह्मण लोग का है वो हेड पे उनका पोजिशन है और जो शूद्र जो लोग है उनका फीट में पोजिशन. ब्राह्मण लोग जो थे वो स्कॉलर थे, उनका जो संख्या था वो बहुत कम था, फिर भी वो लोग टॉप पोजीशन पे ऑक्यूपाइड थे पिरामिड में कास्ट सिस्टम का. फिर वो दलित जो लोग थे वो लोग क्लीनिंग पर्पस के लिए थे, उनका संख्या ज़्यादा था सोसाइटी में, फिर भी उन लोग पिरामिड जो कास्ट का पिरामिड था उसमें निचले स्थान पे थे. वो लोग इन्फीरियर थे, वो अनहाइजीनिक थे, इसलिए उन लोग के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था, ऐसा मानना था V.R.A.M. अम्बेडकर जी का. V.R.A.M. अम्बेडकर जी एक टेम्पर सत्याग्रह मूवमेंट लीड की थी. उसमें उन्होंने बताया था कि जो एसटी कास्ट या एससी वाले लोग होते हैं उनको टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए वो चाहते थे कि उन लोग को भी अलाउ मिले टेम्पल में जाने का. उन्होंने वोमेन एजुकेशन पे भी बात किया था. उनका मानना था कि वेलफेयर जो होना चाहिए वोमेन लोग का भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने महाराजा वेलफेयर ऑफ वोमेन करके एक कम्युनिटी बनाए थे, जो कि सपोर्ट करता था कि वोमेन को राइट मिले प्रॉपर्टी पे, डॉटर को राइट मिले फादर का प्रॉपर्टी पे, फिर मैरिड वोमेन लोग को जो है उनको राइट मिले कि वो जब चाहें डिवोर्स ले सकते हैं. ही सेड दैट अ सोसाइटी विच डज नॉट रिस्पेक्ट इट्स वोमेन, इट इज नॉट बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन सोसाइटी. उन्होंने इंस्पायर्ड हुए थे ज्योतिबा फूले से भी. ऑब्जेक्टिव टू रिमूव कास्ट सिस्टम फ्रॉम सोसाइटी, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट बात किए थे. पहला था कि एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए सब, स्पेशली वुमेन को एजुकेशन देना चाहिए. दूसरा था कि उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज से हेल्प लिया था कि उनको
रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उन्होंने फेवर्ड किया था इंटर डाइनिंग इंटर कास्ट मैरिज को भी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज सोशल जस्टिस। इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको लिखना है एग्जाम पेपर पे, जैसे कि टू इंश्योर डिग्निटी इन लाइफ नॉट अब्सोल्यूट इक्वलिटी बट शुड रिमूव मैन मेड इनइक्वलिटी लिव विथ डिग्निटी। बेसिक मिनिमम नीड जो लोगों का होता है वो सबको मिलना चाहिए। जो सोशल जस्टिस का जो एम है टू रिमूव नेचुरल इनइक्वलिटी, इसमें जो है फर्दर हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी। लिबर्टी मीन्स होता है कि फ्रीडम मिलना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को जो भी वो चाहे करने के लिए अपने जीवन में, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे की लिबर्टी को हार्म करे। दूसरा बात है इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर एक सिटीजनशिप को इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट रिलीजन रेस जेंडर। तीसरा पॉइंट था फर्टिनिटी, इसमें है कि इन्वायरमेंट ऑफ ब्रदरहुड एमोंग द सिटीजन ऑफ नेशन। फिर उन्होंने बात किया था कि उनका जो जर्नी था कास्ट वाज अ सेंट्रल क्वेश्चन इन हिज स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी एस्टेब्लिश किया था, जिसमें कि ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खोले थे। उन्होंने कुछ बुक और आर्टिकल लिखे थे जो कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में लिखा गया था, हु वेयर द सूद्रास 1946 में, द अनटचेबल जो कि लिखा गया था 1948 में, बुद्धा एंड हिज धर्म इन 1957 में। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर हिज सोशल जस्टिस इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने रिजर्वेशन का भी बात किया था एससी और एसटी का, उन्होंने पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन के भी बारे में बात किए थे। वो ब्रिटिश अथॉरिटी से रेगुलर डिमांड करते थे कि एसटी और एससी कम्युनिटी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू ऑब्जेक्टिव टू अचीव सोशल जस्टिस। बेसिकली इन दिस टॉपिक आई विल से यू 5 पॉइंट विच यू विल गोइंग टू राइट इन योर आंसर शीट, that is constitutional measure that ensure and protect of interest of deprived section. Second point is ensured political representation through reservation of seat. Third point is reservation in public employment. Fourth point is right work on foundation of liberty, equality and fraternity. Fifth point is socio-economic right. नेक्स्ट टॉपिक इज अंबेडकर एंड नेशनल इंटीग्रेशन। बेसिकली इसमें मैं बात करूंगी कि अंबेडकर जी का क्या व्यू था राष्ट्र को एकता बनाने में। उन्होंने बोले थे कि जब तक लोअर क्लास को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक एक सोसाइटी डेवलप नहीं होगा, और जब सोसाइटी नहीं डेवलप होगा तब तक नेशनल डेवलप नहीं होगा। उन्होंने बोले थे कि नेशनल डेवलपमेंट मीन्स होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज सोशल लेवल पे होना चाहिए, इकोनॉमिकल लेवल पे होना चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे होना चाहिए, तभी एक नेशन डेवलप्ड होगा। उन्होंने बोले थे कि नेशन बिल्डिंग मे बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट सर्च फॉर परफेक्शन विच रिमेन एंड एवर चेंजिंग फिनोमिना। एट द एंड ही से यू कैन नॉट बिल्ड अप अ नेशन, यू कैन नॉट बिल्ड अप अ मोरालिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू आफ्टर इंडिपेंडेंस हिज एक्टिविटी। बेसिकली इसमें मैं बात करूंगी कि अंबेडकर जी का क्या रोल था आज़ादी के बाद इस देश के प्रति। ही वॉज असाइंड एज द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो फोकस किए थे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाने के लिए डिप्राइज्ड क्लास में, और उन्होंने रिजेक्ट किया था गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टशिप और चेंज ऑफ हर्ट थ्योरी, जिसमें कि बेसिकली गांधी जी ने इस थ्योरी में बात किया था कि कैसे हम लोग अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन